हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जी टेक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे डीडो डिक्लेरेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डीडो डिक्लेरेशन होता क्या है। तो दोस्तों डीडो डिक्लेरेशन होता है कि जो डीडीओ स्कूल का है, चाहे वो इंचार्ज हो, चाहे डीडीओ हो, चाहे एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर हो और हाई स्कूल हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो, दोस्तों सभी को डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। और उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी जानकारी है MIS पोर्टल पर, हमारे द्वारा जो बच्चों के की जानकारी या स्टाफ की जानकारी जो हमने फीड की हुई है वो बिल्कुल सही है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए DDO खुद स्वयं जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों वो DDO डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से हमें सबमिट करना होगा और वो मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो DDO डिक्लेरेशन का मैसेज लगभग सभी DDOs के पास आया हुआ है। तो दोस्तों वो DDO डिक्लेरेशन मैसेज ये है, डियर यूज़र, DDO डिक्लेरेशन फॉर स्कूल, स्कूल कोड होगा, उसके बाद स्कूल नेम इज़ पेंडिंग, प्लीज़ सबमिट डिक्लेरेशन विद इन टाइम, DSC हरियाणा। तो दोस्तों ये DSC हरियाणा से मैसेज आया हुआ है, तो हमें इसको सबमिट करना है समय रहते हुए। तो दोस्तों करना क्या है, हमें सबसे पहले स्कूल ID और पासवर्ड क्लिक करेंगे और उसके बाद जो स्कूल का MIS है उसको ओपन करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ से स्कूल ID और पासवर्ड डालकर MIS ओपन कर लिया है, और MIS ओपन करने के बाद यहाँ इस पर क्लिक कर देते हैं आइकॉन पर, और यहाँ आप देखेंगे ये जो नेविगेशन दिया हुआ है, इस नेविगेशन में आप सिस्टम पर भी कर सकते हो और अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर। तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा एम्प्लॉई एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉई एडमिनिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आप DDO डिक्लेरेशन, आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा DDO डिक्लेरेशन, आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद एक फॉर्मेट आएगा आपके सामने छोटा सा, वो फॉर्मेट हमें फिलअप करना होगा। आप देख सकते हैं DDO डिक्लेरेशन बाई DDO एकेडमिक ईयर 2019-20, डिक्लेरेंट एम्प्लॉई ID, डिक्लेरेंट एम्प्लॉई नेम, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, सेलेक्ट मंथ, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैसेज, इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई एम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और DDO ऑफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, और उसके बाद एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल एम्प्लॉई एंड स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज़ कम्प्लीट, करेक्ट एंड ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड कंसर्न इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉर्ड अवेलेबल विद दिस ऑफिस, इफ़ एनी इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड फॉल्स और नॉट अपडेटेड ऑन MIS पोर्टल एट एनी स्टेज, आई शैल बी हेल्प सक्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लैब। तो मैंने बता दिया था कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे हमारे द्वारा स्कूल की बच्चों की या स्टाफ की है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, सही है, और अगर इसमें कोई भी गलती मिलती है, कोई फॉल्स होता है, गलत होता है, तो उसके लिए मैं पर्सनली जिम्मेदार रहूँगा। तो ये डिक्लेरेशन DDO करता है। तो हमें यहाँ से सबसे पहले एम्प्लॉई ID फिलअप करनी होगी DDO की। तो दोस्तों हमने यहाँ से DDO की एम्प्लॉई ID फिलअप कर दी है, और यहाँ से DDO का नेम हम डाल देते हैं, और उसके बाद जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन हमारी 7 अक्टूबर 2019 है, सेलेक्ट मंथ हम कर लेते हैं, किस मंथ में हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों सितंबर कर लिया है, और उसके बाद इस पर बॉक्स पर क्लिक करते हैं और यहां से इसको सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों सबमिट होने के बाद देखते हैं रिकॉर्ड एडेड और अपडेटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड अपडेटेड हो चुका है, ये हमने अपडेट किया है सितंबर के महीने में। तो दोस्तों इस तरह से हमें अपडेट करना था DDO डिक्लेरेशन फॉर्म। तो दोस्तों हमें यार ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।